मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 68 जो कि चैप्टर है 12 आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, उस चैप्टर का नेम है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। ओके, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 68 ओपन कर लेंगे। ओके, और पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं बात को रिपीट करती हूँ उस बात को आज फिर से बोल दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है उतना पूरा देर का आपको वीडियो देखना है। ओके, और वीडियो के अकॉर्डिंग आपको जो कहा जा रहा है वो वैसे काम करना है, बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, बोर्ड पे से नोट करने को, रीड करने को, जो भी है। ओके, सारा चीज़। और आपको दो बार अटेंडेंस बनानी होती है आजकल, एक फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है, दूसरा कब जब क्लास एंड होता है, तो एंड होने से पहले। ओके, तो आपको दो बार अटेंडेंस बनानी है, तो सभी बच्चे दो बार अटेंडेंस बनाएंगे, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी किताबें परचेस करवा लेंगे, खरीदवा लेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं बिना किताबों के क्लासेस करना बेकार है, उसी तरीके से बिना क्लासेस किए किताब भी रहना बेकार है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे और हम सीखना चाहते हैं तो सीखने के उपाय साधन जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो जैसे आपके पास किताबें हैं लेकिन आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप किसी ट्यूशन टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर बेकार है ना, क्योंकि आप खुद से सारी बातों को, सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते, ना सारी एक्टिविटीज़ को बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्लासेस कर रहे हैं लेकिन ना ही आपके पास पढ़ने के सामान है, जैसे बुक्स नहीं है, नोटबुक्स नहीं है, चलिए मान लीजिए आपके पास नोटबुक है, आप पेंसिल है, सब कुछ है, आप नोट कर रहे हो लेकिन किताबें नहीं है आपके पास, तो आप क्या रीड करोगे, क्या समझोगे, कैसे जानोगे कि हमारा सिलेबस क्या है, है ना। तो हमारे लिए क्लासेस करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे पास किताबें होनी भी है। ओके, तो दोनों बातों पर ध्यान दीजिए, दोनों काम कीजिए। ओके, और सभी बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने क्लासमेट्स को बोला करें, अपने फ्रेंड्स को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए। ओके, तो ये बातें थी जो मैं रोज़ रिपीट करती हूँ, इसलिए आज भी कर दी। अटेंडेंस दो बार बनाना है, फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने के बाद, दूसरा क्लास एंड होने से पहले। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है पॉइंट्स टू लर्न, जो बातें आपको इस चैप्टर में सीखनी है। क्या? सबसे पहले व्हाट इज़ फेस्टिवल, फेस्टिवल होता क्या है, पर्व क्या होता है। दूसरा पॉइंट्स है टाइप ऑफ फेस्टिवल्स, है ना, टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स के, पर्व के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, आप देख रहे हैं ए एंड बी, यानी कि टू है, कौन कौन, नेशनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स राष्ट्रीय पर्व, और नेशनल रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स धार्मिक पर्व। ओके, तो इनके बातों को हम जानेंगे। तो फेस्टिवल क्या होता है, तो फेस्टिवल एक क्या है, सेलिब्रेशन है। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेशन ऑफ फन एंड जॉय, मतलब फेस्टिवल क्या है, पर्व क्या है, एक तरीके का उत्सव है, है ना, हम उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्सव है जिसमें हम साथ में लोगों के रहते हैं, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, हम लोग फन एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं, ना। तो फेस्टिवल क्या होता है, कुल मिला के फेस्टिवल ऐसा समय होता है जब हम अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ समय बिताते हैं और आनंद और मौज मस्ती करते हैं, तो ये फेस्टिवल्स होता है। तो चलिए सभी बच्चे मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। तो आप सभी बच्चे बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 68, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक पे उंगली रखेंगे और ध्यान से और से मेरी बातों को समझेंगे। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो चैप्टर इंट्रोड्यूस हमसे कराता है वो कौन कराता है, राहुल एंड फेरी। ओके, राहुल और फेरी ही हमें चैप्टर को बताते हैं कि चैप्टर में क्या है, आपको कैसे पढ़ना है। तो राहुल क्या बोल रहा है, स्माइली फेरी हैव सम स्वीट्स, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो स्माइली फेरी को राहुल बोल रहा है कि स्माइली फेरी ये कुछ मिठाइयाँ हैं, आज हम लोग ना दिवाली फेस्टिवल, दिवाली का पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। दिवाली एक फेस्टिवल है, आप जानते भी हैं और बहुत सारे लोग मनाते भी हैं। देखिए ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं ना, ये धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं। ओके, जिस धर्म का, जो जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म के अनुसार, उस धर्म के अकॉर्डिंग अपनी पर्व को, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और लेकिन नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं वो जिस भी धर्म के हों, है ना, सारे धर्म के लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दैट मीन्स कि एक कंट्री, एक देश, है ना, उस देश के सभी वासी उस फेस्टिवल को मनाएंगे एक साथ, उस फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। ओके, ये जान लीजिए। तो स्माइली फेरी क्या बोलती है राहुल को,
थैंक यू राहुल, टेल मी मोर अबाउट द फेस्टिवल्स। तो बोलती है थैंक यू राहुल, धन्यवाद करती है, उसका अभिनंदन करती है और बोलती है कि मुझे पर्वों के बारे में और भी बातें बताओ, क्योंकि वो तो बता दिया कि दिवाली का फेस्टिवल हम लोग मना रहे हैं इसलिए मैं आपको मिठाई दे रहा हूँ। तो वो उसको धन्यवाद कहती है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कभी कोई सामने वाला हमें कोई चीज़ दे, चाहे वो मांगने पे दे या बिन मांगे दे, तो हमें उसके बदले में थैंक यू कहना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। तो वो उसका धन्यवाद करती है और बोलती है मुझे पर्व के बारे में और बताओ, मुझे नहीं पता। तो अब देखिए राहुल उसे क्या क्या बता रहा है, तो हम सीखेंगे। यहाँ पे है फेस्टिवल ब्रिंग्स अस टुगेदर एंड मेक अस हैप्पी, है ना। फेस्टिवल्स क्या होता है, मतलब हमें एक साथ करता है ना, सभी के साथ, जैसे हम परिवार वालों के साथ। अब बताइए जैसे कि आपके पापा काम करते हैं, बच्चे आप लोग पढ़ने जाते हैं, फिलहाल तो अभी स्कूल वगैरह सारी चीज़ बंद है, लेकिन जैसे जनरल आम दिनों की मैं बातें कर रही हूँ, तो पापा लोग काम पे चले जाते हैं, चाहे वो ऑफिस जाएँ, चाहे वो दुकान पे जाएँ, है ना। सभी बच्चे ना स्कूल चले जाते हैं, है ना, या कॉलेज चले जाते हैं, तो घर सन्नाटा हो जाता है, मम्मी अकेली हो जाती है, दिन भर कोई भी एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताता, शाम में नहीं तो रात में परिवार वाले एक साथ होते हैं। लेकिन फेस्टिवल क्या होता है, सभी फेस्टिवल में होलीडे होता है, छुट्टी होती है, और सभी छुट्टी का जो दिन रहता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, कोई भी चीज़, सभी चीज़ बंद रहता है, सब बंद रहता है काम वाम, तो सभी लोग अपने घरों में होते हैं। तो अपने घर में रहेंगे तो अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं ना, तो एक साथ रहते हैं, समय स्पेंड करते हैं, समय बिताते हैं और क्या करते हैं, मेक अस हैप्पी। जाहिर सी बात है साथ में रहेंगे, हंसी मजाक होगा, अच्छी अच्छी बातें होंगी, तो सब खुश रहेंगे। तो क्या बोला है, फेस्टिवल ब्रिंग्स अस टुगेदर एंड मेक अस वन। फेस्टिवल जो पर्व होता है हमें एक साथ रखता है और हमें खुश रखता है। फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स फॉर सेलिब्रेशंस एंड फन। फेस्टिवल एक अवसर है, ओकेजन है उत्सव का और फन का, मौज मस्ती का, मनोरंजन का, है ना। पर्व जो आता है तो पर्व एक तरीके का ऐसा अवसर होता है, उत्सव का अवसर होता है, मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और खुश रहते हैं लोगों के साथ। अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं हमारे घरों में, है ना, हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, आस पड़ोस में मिलने जाते हैं, लोग भी हमारे घर पे आते हैं, या फिर आजकल तो और है, अगर कोई नहीं आ पाया तो हम लोग वीडियो कॉलिंग करके उन्हें क्या करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, है ना। तो इस तरीके से मौज मस्ती मनाते हैं। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया, और इंडिया देश में, हमारे भारत देश में बहुत सारे पर्व हैं जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। तो आपने जान लिया ना कि व्हाट इज़ फेस्टिवल, तो यहाँ पे है ही फेस्टिवल आर ओकेजन्स, है ना, ओकेजन्स फॉर सेलिब्रेशन एंड फन। फेस्टिवल क्या है, एक अवसर है, किसका, उत्सव का और मनोरंजन का, मौज मस्ती का एक अवसर है। आप हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, तो कितने प्रकार के फेस्टिवल होते हैं, तो टू टाइप्स के, कौन कौन, नेशनल फेस्टिवल और दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल। तो सबसे पहले हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर दी कंट्री, दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, मतलब उस देश के सभी राज्यों, सभी शहरों, सभी गांवों, है ना, सभी इलाके, सभी लोग मनाते हैं, तो वैसा पर्व, वैसा त्यौहार क्या कहलाता है, नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि राष्ट्रीय पर्व कहलाता है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर द थ्री नेशनल फेस्टिवल्स। रिपब्लिक डे दैट मीन्स कि गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे दैट मीन्स कि स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन, या गांधी जयंती, ये क्या है, तीन नेशनल फेस्टिवल्स हैं। नेशनल फेस्टिवल कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। जैसे आपने टाइप्स ऑफ फेस्टिवल पढ़ा ना कि कितने टाइप्स के फेस्टिवल हैं, तो टू टाइप्स के, कौन कौन, नेशनल फेस्टिवल, दूसरा रिलीजियस। अब नेशनल फेस्टिवल्स कितने होते हैं, तो नेशनल फेस्टिवल तीन होते हैं, कौन कौन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, तीन ही होते हैं, ओके। और रिलीजियस फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि धर्म है और धर्म के अकॉर्डिंग बहुत सारे पर्व होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 69, देखेंगे बच्चे रिपब्लिक डे दैट मीन्स कि गणतंत्र दिवस, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो 26 जनवरी जो जनवरी का वो डेट है 26, उसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो वो क्या है, रिपब्लिक डे है, दैट मीन्स कि गणतंत्र दिवस है। ऑन दिस डे द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली, है ना। इस दिन पे तो जो मेन फंक्शन होता है, मतलब देखिए राज हर देश के हर कोने में मनाया जाता है, ओके, 26 जनवरी, लेकिन जो मेन होता है वो कहाँ होता है, दिल्ली के राजपथ, एक जगह है वहाँ इसे मनाया जाता है, उसका मेन फंक्शन होता है, मेन समारोह होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट एट अ ग्रैंड
परेड, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है दैट मींस कि राष्ट्रपति हैं, तो वो क्या करते हैं, परेड निकलता है, जुलूस निकलता है, उस परेड को क्या करते हैं, है ना, ग्रैंड परेड, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, उसको सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। और आप जानते हैं बच्चों कि रिपब्लिक डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस दैट मीन्स कि 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कि संविधान लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन इसका मीनिंग होता है संविधान, मतलब कि हमारे देश का कानून व्यवस्था उस दिन से चालू हुआ था, लागू किया गया था कि उस दिन से सभी लोग इस कानून, इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, देश ऐसे चलेगा। तो उस दिन को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिन घोषित करके, और उस दिन से हम लोग उस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब तो जान गए कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश का कानून व्यवस्था लागू किया गया था। अब है इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जो कि अभी गुजर चुका है। और आप सभी बच्चों ने, आप तो स्कूल आ नहीं पाए थे क्योंकि बंद थी, तो फ्लैग होस्टिंग किया गया था, आप लोगों को दिखाया गया था वीडियो, है ना, ऑनलाइन आप लोग थे, आप लोगों ने देखा होगा। ऑन दिस डे इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1947। अब बोलिएगा, जैसे आपने गणतंत्र दिवस के बारे में जाना कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो क्योंकि उस दिन हमारे देश का कानून व्यवस्था लागू किया गया था। तो अभी इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि हम मतलब 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेज़ों के शासन से, गुलामी से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी के दिन के रूप में उसे मनाते हैं। समझ में आई मेरी बातें, कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेज़ों के गुलामी से, शासन से आज़ाद हुआ था, इसलिए उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओके। और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 3 साल लग गए थे कानून को बनाने में, लिखने में, रूल को बनाने में, क्योंकि देश इतना बड़ा है और हर देश का कानून कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको बनाने में 3 साल लग गए थे, जो कि 1947 से, है ना, 3 साल के बाद क्या हुआ था, हमारे देश का कानून व्यवस्था लागू किया गया था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब है ना, हम लोग 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर दैट मीन्स कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, कहाँ है लाल किला, न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में जो लाल किला है, उस लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करते हैं, दैट मीन्स कि झंडा को फहराते हैं, नेशनल फ्लैग को। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका क्या नाम है, तिरंगा, ट्राइकलर भी बोलते हैं, तिरंगा भी बोलते हैं, तिरंगा ट्राइकलर यानी कि 3 रंगों से बना है जो झंडा, उसे तिरंगा बोलते हैं, ओके। तो उसे क्या कहते हैं, होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है। तो आप सभी बच्चे जान गए कि इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होस्टिंग कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करता है, कहाँ करते हैं, तो रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पे, ओके। उसी तरीके से रिपब्लिक डे में, तो रिपब्लिक डे में फ्लैग होस्टिंग कौन करते हैं, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, चाहे जो भी प्रेसिडेंट हो, ओके, वो करते हैं। और वो प्रेसिडेंट करते हैं तो दिल्ली के कौन सी जगह में करते हैं, तो राजपथ में करते हैं। समझ में आई, इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करते हैं, और रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट राजपथ में करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर कहाँ करते हैं, रेड फोर्ट पे करते हैं, लाल किले में करते हैं, दोनों दिल्ली में ही है, जगह है। अब है गांधी जयंती, जो कि 3rd नेशनल फेस्टिवल है। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd अक्टूबर। हम लोग गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं, 2nd अक्टूबर। जयंती मतलब जन्म दिवस, जन्मदिन, उसको बोलते हैं जयंती। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो गांधी जयंती, गांधी आप समझ रहे हैं ना, नाम है, तो ये किनका बर्थडे है, महात्मा गांधी, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये कौन है, ये ग्रेट लीडर थे हमारे, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के समय में बहुत महान नेता थे, और ये क्या है, फादर ऑफ नेशन, यानी कि इन्होंने ही देश की आज़ादी के लिए पहला कदम उठाया था, जिससे हमारा देश आज़ाद हो गया, और हम लोग चैन की सांस यहाँ ले सकते हैं, सुकून से रहते हैं, ओके।
और ये फादर ऑफ नेशन है, यानी कि राष्ट्र के पिता हैं। इनको सब बापू कहते हैं, इनको बापू की उपाधि दी गई है, ओके, सभी के बापू, यानी कि उनको इज्जत में फादर ऑफ नेशन है ना, मतलब उनको खिताब दिया गया, तो सब उनको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए बापू कहते हैं। जिनका 2 अक्टूबर को बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग। तो आपने जाना ना कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, चाहे गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन हमारे देश का कानून व्यवस्था लागू किया गया था, है ना, उस दिन से चालू हुआ था, इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से, अंग्रेज़ों के गुलामी से, इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन हमारे फादर ऑफ नेशन, ओके, राष्ट्र के पिता यानी कि बापू महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, इस उनके जन्म दिवस के रूप में अवसर पर हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, ओके। आप सभी बच्चे जाने, रिपब्लिक डे में फ्लैग होस्टिंग कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। कहाँ करते हैं, तो राजपथ में करते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होस्टिंग कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कहाँ करते हैं, तो रेड फोर्ट में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये कॉमन सी बातें हैं जो कि जानना था, आपने जान लिया। अब है क्वेश्चन, राहुल आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या है, डू यू नो हु इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन, क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्र के पिता कौन हैं। तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्र के पिता दैट मीन्स कि बापू कौन है, किनका नाम है, तो यस, आप उनका नाम लिख सकते हैं ना, क्या मोहनदास करमचंद गांधी, या महात्मा गांधी लिखिएगा तो भी सही, या उनका पूरा नाम लिखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी तो भी सही, ओके। तो ये है, अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 70 ओपन कर लीजिए। अब है रिलीजियस फेस्टिवल, तो हमने टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स में पहला पढ़ा नेशनल फेस्टिवल्स, और नेशनल फेस्टिवल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, कौन कौन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि धार्मिक पर्व, जो कि बहुत सारे होते हैं। यहाँ है रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाई पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजियस फेस्टिवल धार्मिक पर्व को सभी लोग, है ना, अलग अलग धर्म के लोग अपने अनुसार मनाते हैं। जो जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म का पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, रिलीजियस यानी कि धार्मिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिवाली, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली को किस नाम से जाना जाता है, तो दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनियों का त्यौहार, रोशनियों का पर्व कहा जाता है। वी डेकोरेट आवर हाउसेज विथ कैंडल्स एंड अर्दन लैम्प्स, है ना, हम लोग अपने घर को कैंडल्स से, मोमबत्ती से जलाते हैं, एंड अर्दन लैम्प्स, अर्दन लैम्प्स का मतलब मिट्टी के दियो से, लैम्प दैट मीन्स की बत्ती, दियो से जलाते हैं। अब देखिए ना, मिट्टी का दिया सब रखते हैं, उसमें तेल या घी डालते हैं, एक बत्ती डालते हैं, और उस बत्ती को जलाते हैं, पूरे घर को रोशनी कर देते हैं, डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, ओके। ऑन दिस डे वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, इस दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं, तो गॉडेस लक्ष्मी की, है ना, लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है, जिनको कहा जाता है कि वो धन की क्या देवी है। द हाउसेज आर क्लीन एंड डेकोरेटेड विथ रंगोली, और अपने घरों को लोग, है ना, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, है ना, सभी, देखिए दिवाली आने से पहले सभी लोग अपने घर की पेंटिंग करेंगे, पुताई करेंगे, घर को धोएंगे, हर एक चीज़ को धोते हैं, साफ करते हैं, एंड डेकोरेट विथ रंगोलीज। और जब दिवाली का दिन आता है तो शाम में सभी अपने गेट पे, दरवाजे पे क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। इस तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और दिवाली फेस्टिवल में सभी के घर में बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, लोग मिठाइयों को आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, ओके। अब है होली, होली फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और हाँ, दिवाली किस धर्म का फेस्टिवल है, तो हिंदू धर्म का फेस्टिवल है, ये जान लीजिए। उसके बाद होली, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं, यानी कि रंगों का त्यौहार भी बोलते हैं, और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, ओके। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, ये क्या है, एक मार्क है, एक संकेत है कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है, दैट मीन्स कि स्प्रिंग सीजन में होली का होली फेस्टिवल, होली पर्व मनाया जाता है, यानी कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है, और ये उसका मार्क है कि उसका संकेत है कि अच्छा, अब ये बसंत ऋतु आ गया है। वी पुट गुलाल ऑन ईच अदर एंड थ्रो कलर्ड वाटर विथ पिचकारी, है ना, और लोग क्या करते हैं होली के फेस्टिवल में, क्या करते हैं लोग, तो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग है,
गुलाल या अबीर लगाते हैं। एंड थ्रो कलर्ड विथ पिचकारी, और पिचकारी आपने देखा ही होगा जिसने इस्तेमाल किया होगा। होली, दिवाली, ये सब क्या है, हिंदू धर्म का फेस्टिवल है, तो लोग खेलते हैं, मनाते हैं। तो लोगों को पिचकारी में रंग भरकर दूसरे एक दूसरे पे रंग पराते हैं, उछालते हैं, लगाते हैं, इस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें जो एक स्वीट डिश बनती है, देखिए हर फेस्टिवल का कुछ ना कुछ एक खास होता है, तो इसमें जो स्वीट डिश बनती है उसको गुजिया बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी है, लोग मनाते हैं अपने घर में। अब है दशहरा, ये भी क्या, किस धर्म का फेस्टिवल है, हिंदू धर्म का। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गॉड गुड ओवर इवेल। बोला दशहरा क्या है, एक मार्क है किस चीज का, विजयी का, मतलब हमने विजयी प्राप्त की थी गुड ओवर इवेल, यानी कि अच्छाइयों पे बुराइयों की जीत हुई थी, सॉरी बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हुई थी, इसलिए ये एक मार्क है। मतलब इस दिन है ना रावण दहन किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि रावण एक क्या था, शैतान था, दानव था, जिसको मार कर अच्छाई की जीत कराई गई थी। ऑन दिस डे लॉर्ड राम किल्ड द डेमन किंग रावण, है ना, इस दिन किसने, राम जो देवता थे उन्होंने किल्ड किया था, मारा था डेमन किंग रावण को, यानी कि राक्षसों के जो राजा थे रावण, उसका दहन किया गया था। ऑन द डे ऑफ दशहरा द इफिजीज ऑफ रावण हिज सन मेघनंद एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर बर्न्ड। इस दिन सभी लोग कैसे, देखिए राम ने तो मार दिया था, लेकिन सभी लोग जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो दशहरा क्या कहते हैं, नवरात्रि, पहले 9 दिन तक नवरात्रि होती है, लोग जागते हैं, जागरण करते हैं, है ना, पूजा की जाती है। और वेस्ट बंगाल में दशहरा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जिसको दुर्गा पूजा भी बोलते हैं, और उसमें काली की पूजा वहाँ के लोग करते हैं। लेकिन जो 10वें दिन क्या आता है ना, 10वें दिन जो होता है उस दिन क्या क्या आते हैं, इफिजीज बनाई जाती है, किसका किसका, तो रावण का बनाया जाता है, उसके बेटा मेघनंद का बनाया जाता है, और उसके ब्रदर कुंभकर्ण का, पहले ये बनाया जाता है। और रावण को कहते हैं 10 मुंह था, तो उसका पूरा इफिजीज यानी कि पुतला बनाया जाता है, और उस पुतले को लोग जलाते हैं, और जलाकर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं कि रावण दहन हो गया। इस तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। अब है ईद, तो आपने पढ़ा दिवाली, होली और दशहरा, जो कि ये भी रिलीजियस फेस्टिवल्स है, और ये किस धर्म का है, तो ये हिंदू धर्म का है, और लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपने दिवाली के बारे में जाना कि दिवाली को क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट, ओके, रोशनियों का त्यौहार। उसी तरीके से होली को क्या बोलते हैं, तो होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोला जाता है, और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है, मतलब स्प्रिंग बसंत ऋतुओं का त्यौहार, या फिर क्या है, रंगों का त्यौहार। दूसरी बात है दशहरा, दशहरा को दुर्गा भी पूजा बोलते हैं, जो 9वें दिन 10वें दिन रावण दहन की जाती है, उसकी पुतले को जलाया जाता है। अब है ईद, ईद किस धर्म का फेस्टिवल है, तो मुस्लिम धर्म का है। ईद इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम धर्म का मेन पर्व कौन है, ईद है। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान, है ना। ये कब मनाया जाता है, तो 30 दिन के रोज़ों के बाद, फास्टिंग मतलब व्रत के बाद, है ना। जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं रेगुलर 30 दिनों तक, है ना, रोज़े रखते हैं, फास्ट करते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं, बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन भर भूखे रहते हैं, तो उसको रोज़ा बोलते हैं, फास्टिंग बोलते हैं, और इबादत करते हैं। और जब 30 दिन गुजर जाता है, चाहे वो 29 डेज हो या 30 डेज हो, उसके बाद नेक्स्ट 29 के बाद या 30 डेज के बाद, यानी कि 1 मंथ के बाद, पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, ईद को। ऑन ईद नमाज इज ऑफर्ड इन मॉस्क, ए स्पेशल डिश कॉल्ड सेवई इज प्रिपेयर्ड। और इस दिन सभी लोग, जब ईद का पर्व आता है, तो उस दिन सभी लोग है ना मॉस्क जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, यानी कि ईद के दिन जो नमाज अदा की जाती है उसको ईदगाह बोलते हैं। ईदगाह में जाके लोग नमाज अदा करते हैं, और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। और सभी मुस्लिम लोगों के घरों में क्या बनती है, एक स्पेशल स्वीट डिश बनता है, एक खास मीठा व्यंजन बनता है, जिसका नाम है सेवई। लोग खाते हैं, खिलाते हैं, और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, और छोटे बच्चे को इस दिन ईदी मिलती है। और देखिए फेस्टिवल दिवाली हो, होली हो, ईद हो, चाहे दशहरा हो, अभी तक हमने इसी फेस्टिवल के बारे में पढ़ा, तो जो भी फेस्टिवल होता है उस दिन सभी लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घरों को सजाते हैं, साफ रखते हैं, रिश्तेदारों से है ना, दोस्तों से, पड़ोसियों से मिलने जाते हैं, उनको अपने घर पर बुलाते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जॉय एंड फन, जो समय होता है परिवार वालों के साथ, लोगों के साथ समय बिताने का समय होता है, खुशी मनाने का समय होता है, मौज मस्ती करने का समय होता है। तो हम लोगों को फेस्टिवल्स में, पर्व में हम लोगों को बहुत मज़ा आता है, और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं, ओके। तो ये चैप्टर में आपको पढ़ना है फेस्टिवल्स के बारे में। अभी और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, गुरु पर्व है, क्रिसमस है ना,
तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। आप सभी बच्चों को होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 12। चैप्टर 12 को आपको रीड करना है, तो सभी बच्चे अच्छे से रीड करेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक लिया है। देखिए अभी अपने मैंने रीड करने को आपको होमवर्क दिया, अगर लेकिन आपके पास बुक ही नहीं है तो आप क्या पढ़िएगा, तो इस बातों पर ध्यान दीजिए और बुक परचेस करवा लीजिए। और हाँ, अब मैं अपने क्लास को एंड कर रही हूँ। एंड करने से पहले सभी बच्चे एक बार अपना अटेंडेंस है ना बना लें, यानी कि दोबारा अटेंडेंस बना लें। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो कि क्या है, सेफ्टी रूल भी है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि सेफ्टी रूल भी है, वो क्या है, डोंट गेट एनी गिफ्ट और स्वीट्स फ्रॉम दी स्ट्रेंजर्स। बोला है डोंट गेट एनी गिफ्ट और स्वीट्स फ्रॉम दी स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, अपरिचित, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो जिसको आप नहीं जानते हैं उस इंसान से ना ही आपको कोई गिफ्ट, कोई तोहफा लेना, कोई उपहार लेना है, ना ही मिठाइयाँ लेना है। मिठाइयाँ दैट मीन्स कि चॉकलेट हो, चाहे जो भी आपको पसंद हो, कुछ भी नहीं लेना है। मतलब अजनबी अपरिचित लोग आपको कुछ भी दे, है ना, हो सकता है वो लोग खुसला बहला के आपको चॉकलेट दिला दें, या आपकी कोई फेवरेट टॉय दिला दें, या आपको जो पसंद है आपको वहाँ ले जाए, आइसक्रीम खिला दें और आप उनकी बातों में चले जाओ और उनके साथ चले जाओ, तो वो चीज़ तो आपको दिलाएंगे लेकिन आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इन बातों पे आप सभी बच्चों को ध्यान देना है। जिसको आप नहीं जान रहे हो आप उस इंसान से कोई गिफ्ट, कोई चीज़ नहीं लीजिएगा। ओके, सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, ये सेफ्टी रूल है, सुरक्षा का नियम है। क्या है, डोंट गेट एनी गिफ्ट और स्वीट्स फ्रॉम दी स्ट्रेंजर्स। किसी भी अपरिचित से, किसी भी अजनबी से आपको ना ही कोई उपहार लेना है, ना ही कोई तोहफा लेना है और ना ही कोई मिठाइयाँ लेनी है। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे पूरा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।